अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। इस वक्त हम लोग हैं यूनिवर्सिटी में, लिए हैं हमने चिप्स और अब जा रहे हैं कहीं बैठने, जगह ढूंढने। तो आप जो मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। ये इसमें आपको इसमें अपना माहौल दिखा रही हूँ। ये वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं बोल नहीं सकी। तो जी, ये यूनिवर्सिटी का रास्ता पैरी दिखा रही हूँ। ये मेरा आईडी कार्ड यहाँ पे चेक होता है। यहाँ पे हमारे ना दो चेक पोस्ट हैं, तो वो हम चेक करवाते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के दो फ्लोर ऊपर जाना पड़ता है और फिर हमारा मीडिया ब्लॉक आता है। अब यहाँ पे हमारी सारी क्लास बैठी है गपशप मारने, तो हम सारे गपशप मारे थोड़ी देर। और मैं यहाँ पे बैठ कर जूस पीने और इंजॉय कर रहे हैं। अब टाइम ऑफ टाइम का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें घर जाना है। क्या बोला तूने? कोई सेंस है इस बात की? यहाँ पे अपनी थॉट लिख ली है। मेरे पास कोई थॉट नहीं है। लाइव ये देखिए, ऐसे यहाँ पे तस्वीरें ली जाती हैं। आप लोगों को लाइव बना दे रहा है बहरिया यूनिवर्सिटी के। ये फोटोग्राफी के क्लास में ये काम हो रहे हैं, जबकि नेचर की पिक्चर्स लेने की इजाजत है ये लोग इन नानों की। ली है यहाँ से आइसक्रीम और बहुत बकवास है। हरकतें जारी है काम करते हुए। और ये यहाँ पे खा रही हूँ मैं, कैसे चल के जा रही हूँ। वैन के पास जाना पड़ता है। तो जी, ये हमारा रास्ता। फिर हम यहाँ पे बैठे रिक्शे पे, हमें रिक्शे से उतार दिया गया। फिर हम बैठे कैरी डब्बे पे और फिर हम कैरी डब्बे देखते हैं बच्चा हमें लेने आए हैं कि नहीं। ये लिए हमारी बस अहमद, आज हमें बड़े अरसे बाद अहमद लाली लेने आए हैं। ये हमें शर्फ हासिल हुआ है। ये देखिए जी, ये शर्फ बोरियत है। अस्सलाम वालेकुम अहमद, आपको कैसा लग रहा है हमें लेने आए हो आप? अहमद, तुम्हें कैसा लग रहा है हमें लेने आए हो? हमने तुम्हें ये एजाज दिया है, तुम हमें लेने आओ। देखो कितना अजीम आजाद है कि तुम हमें लेने आए हो। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे। अहमद ने आज पैसे निकलवाने हैं। क्यों अहमद, क्या खर्चा करना है आपने? हाँ अहमद, क्या लेना सोना? तुम फिर से सॉरी बोलो, यूट्यूब पे तुमने बोला, फिर तुम फेस टू फेस बोलो, तब ज्यादा मजा आएगा। मैं तो रुक जाऊंगी, तू बोल सॉरी। शेरबानो गई है आज अकेले, वो भी एटीएम। ना कर सो पिजान, कैसा महसूस हो रहा है आप अकेले गए? एसी तेज था?
तो वही अब हम घर जो वही घर चलेंगे फिर कुछ काम करना आज कपड़े धोने तो बस तो मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है एक और एक और आपकी ये दबलती की सो वो काम करने को हम मिलते हैं घर जाके या तो मिलेंगे नेक्स्ट डे हमारा कोई भरोसा नहीं है देखते हैं देखते हैं घर जाके खाने में क्या बना बहुत भूख लग रही है तो गाइस नेक्स्ट डे है और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से यूनिवर्सिटी अभी रूटीन का हिस्सा बन चुकी है और हम कोई काम नहीं करते हम बस थक जाते हैं हमें क्लासेस से बाहर बंद किया है हमारी क्लासेस भी निकाल के दे रहे हैं हमें ताले लगाए और ये भी ये कर लिए हम बैठे हुए हैं क्योंकि मेरे क्लासेस भी खोल के दे रहे हैं The next morning. Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel. आज हमारे घर आए हैं कुछ मेहमान और मेहमान हमें खुद घुमाने लेकर आ रहे हैं हमारे पास घूमने आए थे लेकिन हम उनकी गाड़ी में खुद ही जा रहे हैं कि चलो हम भी घूम लेते हैं साथ में अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर के पास मॉल और देखते हैं क्या करते हैं तो चले मैं नहीं चलती तू फिक्र ना कर कि नहीं है ना उसके साथ अपील में जा रहे हैं वापस यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि इनको कोई पसंद नहीं आया नखरे लोगों के नखरे बहुत है आजकल कुछ भी नहीं लिया 700 रुपए का ग्लास पसंद आया वो भी नहीं लिया नो थैंक यू ये फ्री पैलेस्टाइन कल चल रहे हैं चलिए बैठ और हमने टर्किश आइसक्रीम ली है और हमें घर जाने की भी जल्दी है अब हम या तो आइसक्रीम एंजॉय करें या तो हम घर भाग जाएं तो इस वक्त हम इस मसले में फंसे हैं जी आज हमारे घर ये बनी है गैस की उसमें गोलगप्पे पापड़ी चाट फ्रूट चाट बिरयानी बनाई गई है ये तो लाई गई है ये बनाई गई है ये मटन कढ़ाई अली भाई ने सब कुछ बनाया गोलगप्पे भी अली भाई ने बनाया अली भाई खुश ये रे साथ में ड्रिंक्स वगैरह भी रखी हाँ तो जी गाइस कैसे हैं आप सब लोग तो सब सही सलाम नहीं कर सकती तो जी आज गेस्ट आए हुए थे तो पूरा टाइम उन्हीं के साथ और फिर शाम 5 बजे हाँ 5 बजे तक वो चले गए तो अभी हमें मिला हुआ है फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट तो हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो इसमें ना एक चीज़ की यानी एक ही किस्म की चीज़ की डिफरेंट फ़ोटोज हैं तो मेरे आइडिया निकाला कि चलो भाई चूड़ियों की पिक्चर्स लेते हैं तो मैंने कहा चलो आपको साथ में अपनी चूड़ियों का कलेक्शन दिखा दूँ तो ये है चूड़ियाँ ये शेरवानों की हैं खाली सिर्फ ये एक शेरवानों का है ये मेरा है ये एक हमने सूट इस कलर का बनाया था तो ये तब आई है ये वाली मेरी चूड़ियाँ इतनी पुरानी हैं इट्स लाइक 10 साल पुरानी है 10-11 साल हाँ ये 10-11 साल पुरानी है 10 नहीं बहुत ज़्यादा हो चुका 6-7 ईयर्स ओल्ड है ये है मेरी ये भी मेरी ये ऑफ कोर्स ये 2 सेट है ये भी 2 सेट है ये शेरवानों की सेट है और ये है ये वाला ब्रेसलेट है ये मेरी मामी सोदिया से लेकर आई थी शेरवानों का जो बाय चांस गुम हो गया था तो ये शेरवानों की उसके साथ की रही थी ये शेरवानों का थोड़ा पतला था और ये मेरे हमारे ये बानों की घड़ी ये अदन ने उसको गिफ्ट की थी
ये मामा की घड़ी थी जिसका हमने बेल्ट चेंज करवाई थी, ये शिवानों को मिली, बहुत पुरानी घड़ी है ये भी। एंड ये हमारे क्यूट से एयरिंग देखेंगे, ये मोती बाजार का माल है। ये मोती बाजार में जो चीज़ें क्लासी मिलती हैं ना, ये हम जी बड़ी माम गए थे तो वही हमने कहा कड़े लेने जाएंगे तो हम इसलिए उधर गए थे। और ये घड़ी है, ये घड़ी बहुत प्यारी, ये मेरे नाना बुने मेरी मामा को दी थी, मामा ने कहा तू रख ले तो ये मैंने रख ली। और ये शबानों के ये हैं कड़े। तो यहाँ पे हमारी सारी ज्वेलरी निकली है, ये भी हमारे पास चक्का का माल है। ये है, ये है, ये भी गोल्डन कलर की है, बहुत सामान है हमारे पास चूड़ियों के हिसाब का। ये मेरी मामा की गोल्ड की हैं। और ये ब्रेसलेट है, ये हमने ईद पे लिया था, बड़ी ईद पे पहना नहीं, पहना था थोड़ी देर, पहना था नहीं पहना था, तो ये सारा मैं थोड़ी माजरत करें। लेकिन ये है कलरफुल, ये शर्बानों को मीखाला ब्रीदा से बहुत सारी चीज़ें लेती हैं ना ब्रीदा से, तो उन्होंने ब्रीदा वालों ने उनको ये बिली चूड़ियाँ गिफ्ट की थी, ये उन्हीं का थैला है। तो और ये भी है ये शर्बानों की, ये देखें शर्बानों का बच्चों वाला आता है, मेरी सबसे बड़ी है। ये फ़र्क देखें, ये शर्बानों का आता है। और क्या है, हाँ ये भी गोल्डन कलर की हमारे पास ढेर लगा हुआ है गोल्डन की। ये मल्टी कलर वाली हैं, ये भी ये मेरी अलिया, ये इसमें कपड़ा लेता है। ये शर्बानों की है, ये ब्रीदे वाली है, ये थैला बाय द वे ब्रीदे का ही है। और हाँ ये हमारे पास है नेकलेस का सेट, जिसको हमने पहना एक दफ़ा भी, नहीं एयर रिंग पहनी है, नेकलेस ही पहना बस। ये पड़ा हुआ, ये सिल्वर कलर का तब लग, ये हमारे कान में भी नहीं घुसता, कान में हमारे कान ये बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट, बहुत दर्द करते हैं, लेकिन है बहुत प्यारी, देख सकते हैं है बहुत प्यारी। तो ये मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन है, ये समझें ये कोई भी अभी की नहीं है, बहुत साल पुरानी है। ये है, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सेट, हाँ ये कोविड पे 2020 में ली थी ये सारा सेट। ये वाला है, ये भी है शर्मानो फंस गई है। ये भी हमारे पास, ये भी पुराना है, ये बालियाँ ये सब कुछ पड़ा हुआ है, इसको हम बहुत कम ही पहनते हैं, शेरबानों फंस गई है क्योंकि उसमें पहन ली हैं। ये देखिए कितने क्यूट क्यूट चीज़ें हैं, ये मैं आपको रुक के निकाल के दिखा दूँ, ये दोनों चीज़ें ये अब मैंने निकाल लिए। ये हमारी बिंदी है जो बाई चांस हमने कभी ज़िंदगी में पहननी है, लेकिन है बहुत खूबसूरत सी। ये ली भी ऐसा हुआ, ये शर्बान मेरी है मल्टी कलर, ये शर्बानों की दोनों मैंने योगा के साथ रखी हूँ भाई, ये सेट है। एंड ये भी बहुत प्यारी है, ये बहुत सूट के साथ चलती है। ये नेकलेस है मेरा, ये बड़ा वाला शर्बानों का, ये छोटा सा, ये हमारी अंगूठी, ये हर किस्म के डिज़ाइन है। ये अंगूठियाँ वैसे हमें पहनने का इतना शौक नहीं है, ये है, ये इसके साथ बिंदिया भी है, बिंदिया कहाँ गई, ये कोई है, तो ये इसके साथ बिंदिया, ये बिल्कुल मैचिंग है, ये देखें ये बिल्कुल मैचिंग है, ये बिंदिया है, ये भी एक है झूमर या बिंदिया जो भी है झूमर टाइप है, तो ये भी एक दफ़ा पहना। तो ये चीज़ें मेरे पास पड़ी थी, ये और भी ये शॉपर है, निकल आया, कौन सा वाला फंसाया था ये वाला मामा का ये स्टड वाला पहन लिया था और फंस गई थी, तो अभी खुलवा के लाई है मैडम साहिबा। ये मामा का नेकलेस है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। और बाकी ये हमारी हैं हेयर एक्सेसरीज, ये भी इनको भी ना अर्सा हो गया, 6-7 साल कोई करीब की नहीं है, दो तीन साल, 7-7 साल या फिर 7 साल हो चुके हैं। और क्या है, ये सारा हमारे को क्या ये वाला घुस गया, ये शर्बानों पहन के दिखा रही है लेकिन फंस चुकी है, क्योंकि आजकल हमारे कान में कुछ नहीं आया, वरना एक होती थी छोटी बालियां में ज़्यादा बड़ी चौकनी है, तो हम पहनते ही नहीं हैं। और ये सारा हमारा हेयर का सामान है जो मेरे शर्बानों को सेम है सब। तो बस ये हमारी कुछ कलेक्शन थी। हाँ ये नेकलेस है, ये देखिए ये वाले हैं, ये वाले, और ये वाला भी एक सेट है, ये भी बहुत प्यारा यार्ड है। और ये वाला हमारा ये नेकलेस है, इसकी चैन का कलर उतर गया, बट ये देखिए ये इसका, ये बहुत प्यारी है, इसकी साथ सेम बालियां भी हैं छोटी, ये बहुत प्यारे सेट है।
तो ये थी हमारी सारी ज्वेलरी की कलेक्शन जो हमने सात साल ये मैं किसी जमा को एयरिंग दे दूंगी, नेकलेस रखूंगी। एयरिंग भी बहुत प्यारी है, ये खाली एयरिंग पहन के तो अब कान खोलो ना आप हमारे पास खुल जाएगा। हैवी कितनी है? सॉरी एक दफा पहनी नहीं हमने, लेकिन कैसे पहनी नहीं पता नहीं ना, वो पहन लो ना फिर वो बाद में पता नहीं चलता, ये तो अभी तुम पहनी हुई इसलिए पता चल रहा। बस ये थी हमारी कलेक्शन, उम्मीद है आपको अच्छी लगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हेलो जी गाइस, आप सबको खुश आमदीद। अभी हम जा रहे हैं सारे एक साथ बैठ के यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज बारिश हो रही है तो अली भाई हमें छोड़ के आ रहे हैं। अहमद की वजह से आज हम लेट हुए तो अहमद की वजह से होंगे, क्योंकि अहमद घंटे लगा रहे हैं। नहीं बहुत मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है इतनी लेट जाके। तो देखिए क्या माहौल हो रहा है, यहाँ पे इतनी धूप नजर आ रही है। हाँ जी अहमद बच गए, तो बाइक पे रहना शुरू कर। तुम्हारे बैग दिखाओ आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हमारी चल रही थी फोटोग्राफी की क्लास, जिसमें हम लैपटॉप तो लाए थे, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, तो मैम देख दिखा, मैम कहते हैं गधे आए क्लास में। क्या ईशा खड़ी हो? देखिए आप कितना खूबसूरत मौसम है, वरना तो हमेशा हमने आपको बारिश धूप ही दिखाई है। आज पहली दफा जब इतना अच्छा मौसम है तो हमने कहा व्लॉग क्यों छोड़े, तो व्लॉग बनाने लगे। अभी हम वैन की तरफ जा रहे हैं और मौसम इंजॉय करते करते बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, छतरी बैग में लेकिन ऑफ टाइम चलेंगे, तो फिर चलते हैं।